स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है आज की मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 29 अक्टूबर को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार स्वास्थ्य कवरेज देने जा रही है। बता दें कि स्वास्थ्य बीमा का शुभारंभ आज यानी 29 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार फोटो निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 का प्रारूप प्रकाशन आज यानी 29 अक्टूबर को किया जाएगा। बता दें कि सुबह 11:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित होगी। सिकंदराबाद गोरखपुर सिकंदराबाद विशेष गाड़ी सिकंदराबाद से आज यानी 29 अक्टूबर से 12 नवंबर को और गोरखपुर से 31 अक्टूबर और 7 व 14 नवंबर को चलाई जाएगी। बता दें कि ट्रेन सिकंदराबाद से चलकर तीसरे दिन ऐशबाग मध्यरात 12:58 पर पहुंचेगी। वापसी में गोरखपुर सुबह 8:10 पर चलकर दोपहर 1:38 पर ऐशबाग पहुंचेगी। TMBU में पैट परीक्षा 2023 को लेकर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 29 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होगी। बता दें कि पैट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी TMBU के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। NET JRF क्वालिफाइड छात्रों के लिए कुल सीटों का 50% सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। परिवहन विभाग ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए अतिरिक्त बसों के फेरे लगाने का निर्णय लिया है। बता दें कि आज यानी 29 अक्टूबर को 10 नवंबर तक मऊ और दोहरीघाट डिपो से हर आधे घंटे में बसें चलेंगी। धनतेरस व दीपावली को देखते हुए आज यानी 29 से 31 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था में सुबह 8 से 12 बजे तक बदलाव किया गया है। बता दें कि 9 स्थानों पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। कारों सहित अन्य 4 पहिया वाहनों के लिए 5 जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। स्थानीय डॉन बॉस्को विद्यालय माधोपाड़ा बैलोरी में आज यानी 29 अक्टूबर को विज्ञान कला एवं शिल्प प्रदर्शनी आयोजित होगी। बता दें कि विद्यालय के विशेष कार्य प्रभारी अरुण कुमार यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूर्व प्राचार्य प्रमोद कुमार जायसवाल होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य फादर अलेक्जेंडर टोपनो करेंगे। 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार होने के कारण रन फॉर यूनिटी का आयोजन आज यानी 29 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय एकता दौड़ में लगभग 8,000 से 9,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज यानी 29 से 31 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री तक रह सकता है। वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1709 में इंग्लैंड तथा नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन सन 1794 में फ्रांसीसी सेना ने दक्षिण पूर्वी नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया। आज ही के दिन सन 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। आज ही के दिन सन 1985 में भारतीय बॉक्सर विजेंद्र कुमार सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1978 में भारतीय रोग विज्ञानी V.R. खानोलकर का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।